हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नेचर क्रिएशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्लास 12th। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन और यू कैन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो उसमें हमने जीरो ऑर्डर का किया था सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था हमारा इस ग्राफ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इसमें इसने बोला क्या था कि हमारा जो जब हमने इसको रेट इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर किया था तो उसमें हमारे पास आया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने आर नॉट से शो किया था, जिसे हम इंटरसेप्ट बोलते थे, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी दैट इज स्लोप माइनस के इक्वल। ठीक है, इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया था तो ये यहां से हमने क्या कर लिया था, के की वैल्यू को फाइंड आउट, मीन्स आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी। ठीक है, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। आगे कहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर अनकॉमन एंड अकर अंडर द स्पेशल कंडीशन, कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है वो अनकॉमन होती है, ऐसा नहीं है कि वो कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, और वो जब भी कभी होगी तो उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन हमें देनी पड़ेगी। जैसे कहता सम एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन एंड सम विच अकर ऑन द मेटल सरफेस आर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कहता कुछ रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं और कुछ रिएक्शन जो मेटल के सरफेस पे होती है, इन दोनों टाइप की रिएक्शंस का जो ऑर्डर कहता होगा वो कितना होगा, जीरो ऑर्डर, और उन्हें हम बोल देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास है 2NH3, यानी कि NH3 का मतलब अमोनिया के हमने दो मोलिक्यूल ले लिए। टेम्परेचर हमने दिया 1130 केल्विन, इसमें हमने कैटलिस्ट भी ऐड किया दैट इज PT मीन्स प्लेटिनम, तो स्पेशल कंडीशन हो गई रिएक्शन के लिए। ठीक है, कहता जब इन दोनों कंडीशन के ऊपर हम देखते हैं जो NH3 है, तो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन में स्पेशल कंडीशन दे दी कि 1130 केल्विन और प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। तो क्या होगा, जो हमारा NH3 था ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, N2 प्लस 3H2 गैसियस फेज के अंदर। ठीक है, अब इस रिएक्शन का हमें क्या निकालना है, रेट। तो रेट इज इक्वल टू के, यानी कि हमारा कॉन्स्टेंट NH3 स्केयर ब्रैकेट में बंद, यानी कि उसकी जो कंसेंट्रेशन और उसकी पावर कितनी लिखी हमने, जीरो। पावर जीरो क्यों लिखी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो पावर जीरो होगी, और हमने पहले ही बताया था जब किसी भी चीज की पावर अगर जीरो है तो इट मीन्स वो यूनिट होगी, यूनिट मीन्स वन, तो के इंटू वन इज इक्वल टू के। ठीक है, फिर ये कहता है आगे इसमें, कहता प्लेटिनम मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट, हमें पता है कि जो हमने कैटलिस्ट डाला था वो प्लेटिनम मेटल थी, क्लियर। कहता एट हाई प्रेशर, अगर हम रिएक्शन में हाई प्रेशर कर देते हैं तो जो मेटल का सरफेस है वो सैचुरेटेड हो जाता है गैस के साथ, गैस थी हमारी अमोनिया। कहता हमने क्या किया, जो हमारी मेटल का सरफेस था उसके ऊपर हमने हाई प्रेशर कर दिया, तो जो गैस थी वो पूरी सैचुरेट हो जाएगी उस सरफेस के ऊपर, एंड आफ्टर इट नो चेंज, और उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसेंट्रेशन, और अगर उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि वो चीज़ उसकी कंसेंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है सो वो कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, यहाँ से ये क्या हो जाता है, प्रूव, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अनदर एग्जाम्पल, द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। हमें क्या करनी है, थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि किसी चीज को हाई टेम्परेचर देके उसको डीकम्पोज करवाना है, तोड़ देना है, किसको, HI को, हाइड्रोजन आयोडाइड को। होगा कहाँ पे ये होगा गोल्ड के सरफेस के ऊपर, गोल्ड का सरफेस लेंगे उसके ऊपर HI डालेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, देन इट ब्रेक डाउन एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप साथ साथ बता दीजिए बच्चे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यू कैन से इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
सो क्या होगा इसमें देखिए, कहता है हेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो हम रिएक्टेंट लेके चलेंगे उस रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन की पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। उसके इक्वल हमारा क्या निकल के आएगा, उस रिएक्शन का रेट। तो हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, लाइक कहता हमने R लिया, दैट इज रिएक्टेंट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन का जब रेट निकाल लेंगे तो कैसे होगा कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट R डिवाइड बाय dt। ये कहाँ से आया है बच्चे, ये आया है हमारा डिफरेंशियल रिएक्शन से, या डिफरेंशियल ऑर्डर रिएक्शन जो आपने पढ़ा था। अब इसको कहता किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, सॉरी, सो इज इक्वल टू क्या होगा, के आर, के हमारा कांस्टेंट और आर हमारा रिएक्टेंट। या कहता और क्या कर सकते हैं, कहता और हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी आर बाय आर, या इन दोनों रिएक्शन को हम मिक्स कर देंगे और रीअरेंज कर देंगे। कैसे वो देख लीजिए, यहां पे था के और आर, अगर मैं इस आर को यहां से उठा के मैं यहां ले आता हूं नीचे की तरफ तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या बन गया आपका डी आर बाय आर। डी टी को मैं यहां से उठाता हूं और कहां पे लेके चला जाता हूं, जहां पे आर था, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड से उठ के, तो यानी कि क्या बनेगा ये के डी टी। और यहां सो क्या बन गया बच्चे, ये डी आर बाय आर और इज इक्वल टू के डी टी, इसके आगे माइनस था तो हमने वो इसके आगे लिख दिया। उसके बाद कहता अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बोथ इक्वेशन का। सो इंटीग्रेटेड दिस इक्वेशन, कहता क्या होगा, अब डी आर बाय आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे दैट कन्वर्ट इनटू एल एन आर, ठीक है। और इधर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस है तो माइनस सेम रहेगा, के हमारा कांस्टेंट है तो ये भी सेम रहेगा। अब कौन है डी टी, डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे सो इट कन्वर्ट इनटू टी, ठीक है। प्लस करके हमने लिखा है आई, अब ये आई हमारे पास क्या आ गया, एक नई टर्म ऐड हो गई इस इक्वेशन के अंदर। अब ये आई क्या है हमें वो देखना है। सो आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जब हमने क्या किया इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया तो एक नई टर्म दैट इज आई ये ऐड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। सो इक्वेशन क्या बन जाती है, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। उसके बाद कहता है व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, अब हमें क्या करना है, हमें दो टाइम कंसीडर करके चलने हैं, ठीक है। लाइक हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि हमारे पास टाइम है, जो टाइम की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई उस टाइम तक। तो कहता उस दौरान आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज आर, कहता उस रिएक्शन की जो कंसेंट्रेशन होगी, सॉरी रिएक्टेंट की, कहता वो कितनी होगी, वो होगी आर स्क्वायर ब्रैकेट नॉट, ठीक है। कितनी होगी, जिस टाइम पे आपका टाइम की वैल्यू जीरो है सो जो आर की वैल्यू होगी, कंसेंट्रेशन होगी, दैट इज आर नॉट एज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो कहता वो क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन। सो इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए हमारे पास ये इक्वेशन थी, दैट इज एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। तो अब हमने यहां पे क्या कहा है कि आर किसके इक्वल है, आर नॉट के। तो क्या मैं इस आर के इक्वल में क्या है आर नॉट, तो यहां पे आर है, इक्वेशन ए ही हमें उठानी है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर नॉट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। सो क्या बन गया ये, एल एन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यहां पे क्या आना चाहिए था टी, लेकिन टी हमने कितना मानना है जीरो, तो के की जगह पे हमने पुट कर दिया जीरो, टी की जगह पे प्लस आई, ऐसे कैसे। अब यहां क्या बनेगा, एल एन आर जीरो सेम इज इक्वल टू जीरो की के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा ही जीरो बन गया, तो क्या बच गया इधर सिर्फ आई, तो ये हमने लिख दिया। तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एल एन आर नॉट, क्लियर। फिर कहता है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन ए, कहता है यहां से जो आपके पास आई की वैल्यू निकल के आई है दैट इज एल एन आर नॉट, कहता इस इक्वेशन को, इस आई की वैल्यू को आप लोग पुट कर दो कहां पे, इक्वेशन ए में, यहां पे। तो हम इक्वेशन ए उठाते हैं, क्या थी इक्वेशन ए हमारी, एल एन आर, ये हमने लिखा एल एन आर,
यहाँ पे है माइनस के टी, ये लिखा हमने माइनस के टी। अब प्लस डाल के इधर लिखना है हमें आई, लेकिन आई की जगह पे हमारी आई की वैल्यू कितनी है, एल एन आर जीरो, तो हमने लिख दिया एल एन आर नॉट। ये क्वेश्चन बन गई हमारी बी, क्लियर। फिर कहता है रीअरेंज दिस इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है, वो कैसे होगा देखिए। इधर हमारे पास R है, इधर हमारे पास R नोड है, तो जो सेम सेम चीजें होती हैं उनको हम एक साइड कर लेते हैं। कैसे, तो मैं यहां से क्या उठाऊंगा एल एन आर नोड को, और कहां पुट करूंगा, इसके नीचे। तो क्या बन गया, एल एन आर डिवाइड बाई आर नोड इज इक्वल टू माइनस के टी, तो माइनस के टी सेम, ठीक है। इसमें भी एल एन है, इसमें भी एल एन है, कोई खास फर्क नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे इसको, तो और कहता कैसे लिख सकते हैं, इधर आप क्या निकाल दो, k की वैल्यू। k की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहां से t है मेरे को उठाना पड़ेगा, तो कहां लेके जाऊंगा, नीचे आ जाएगा ये, तो 1 बाई टी एल एन। अब आना क्या चाहिए था, r बाई आर नोट, r ऊपर है r नोट नीचे है, बट यहां पे मैंने क्या लिखा है r नोट बाई r, वो इसलिए लिखा है यहां पे हमारे पास माइनस था, तो अगर माइनस को खत्म करना है तो इक्वेशन को क्या कर देंगे, अपोजिट, तो यानी कि नीचे वाला चीज ऊपर, ऊपर वाली नीचे, सो ऊपर क्या आ गया अब आर नॉट, और नीचे क्या बन गया आर। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाती है यहां से, कि 1 बाय टी एल एन आर नॉट डिवाइड बाय आर, दैट इज इक्वेशन सी, क्लियर। फिर कहता है एट टाइम टी वन, ये सारा काम जीरो तक की वैल्यू पे हुआ था, अब हम टाइम को क्या ले आते हैं, टी वन मान लेते हैं। तो कहता अगर आपका टाइम टी वन है, तो जो आपकी इक्वेशन ए थी, अब इक्वेशन ए पे दोबारा जाएंगे, सो ये थी हमारी इक्वेशन ए, क्लियर। सो कहता टाइम टी वन के ऊपर जो इक्वेशन ए है वो आपकी कुछ ऐसी होगी कि एल एन आर वन इज इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस, यहां पे आई था लेकिन आई की जगह पे क्या पुट कर दिया था, एल एन आर नॉट। ये इक्वेशन बन गई हमारी डी। फिर कहता अगर आपका टाइम टी टू बन जाए, टी वन से कहां जाएंगे टी टू की तरफ, तो जो इक्वेशन ए थी वो दोबारा से कैसी बनेगी, कि एल एन आर टू इज इक्वल टू माइनस के, टी वन की जगह क्या आएगा टी टू, प्लस आई लिखना था इधर, लेकिन आई की जगह क्या लिखेंगे एल एन आर नॉट, क्लियर। फिर कहता है ये इक्वेशन डी थी, ये इक्वेशन ई। कहता है यहां पे जो हमने आर वन इसमें पुट किया है, आर टू यहां पे पुट किया है, दीज आर दी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम टी वन एंड टी टू रिस्पेक्टिवली, कि आर वन और आर टू हमारी कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की टी वन टाइम के ऊपर और टी टू टाइम के ऊपर, क्लियर। फिर हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन ई फ्रॉम डी। अभी हमने देखी थी डी और ई इक्वेशन, सो ई को हमें डी में से सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे, कहता एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू, यानी कि एल एन आर वन में से माइनस कर दिया हमने एल एन आर टू, तो इधर क्या होगा माइनस के टी वन माइनस ब्रैकेट माइनस के टी टू, ठीक है, यानी कि के टी वन में से हमें माइनस करना है माइनस का के टी टू। फिर कहता है इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, कहता एल एन आर वन बाय आर टू, यानी कि इस आर वन जो आर टू था हमारा, इसको हम कहाँ ले आएंगे, इसके डिवाइड में, तो एल एन आर वन डिवाइड बाय आर टू, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल। कहता के इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, देखिए यहां हमने लिखा था कि के टी वन और माइनस का के टी टू, लेकिन अब हमने लिखा है दोनों में तो के तो कॉमन ही था, के बाहर ले लेंगे, निशान इनके दोनों के ही आगे माइनस है, तो क्या बन गया ये टी टू माइनस टी वन, अरेंज कर दिया इन दोनों को। फिर कहता के इज इक्वल टू, अब हम यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे के की, तो के इज इक्वल टू इसको हमें उठा के कहां लेके आएंगे, इसके नीचे, तो नीचे जब आएगा ये डिवाइड में बन जाएगा, तो वन बाय टी टू माइनस टी वन, यानी कि टी टू बाय माइनस टी वन, एल एन सेम आर वन बाय आर टू। ये जो इक्वेशन बनी है यानी कि के की वैल्यू, दैट इज एफ इक्वेशन। फिर कहता है इक्वेशन बी कैन ऑल्सो रिटन एज, पहले तो ये पता होना चाहिए इक्वेशन बी थी कौन सी, तो देखिए पहले इक्वेशन बी को,
इक्वेशन बी हमारे पास ये थी जहां पे एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट था, यानी कि जहां पे हमने आई की वैल्यू को पुट किया था। तो कहता इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है या और सिंपली फाइव फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए यहां पे। अब देखिए इसकी सिंपल फॉर्म, तो ये हमने बी को कैसे लिख दिया, एल एन आर बाय आर नॉट। तो देख लीजिए यहाँ पे एल एन आर था, यहाँ पे एल एन आर नोट था, तो यहाँ से मैं आर नोट को उठा के इसके नीचे ले आता हूँ, तो क्या बन गया ये एल एन आर बाय आर नोट, और उधर क्या बच गया माइनस के टी। क्लियर। फिर हमें इस इक्वेशन पे ले लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना आता है आपको, मैथ के स्टूडेंट हो। सो एंटी लॉग जब लेंगे तो क्या बनेगा, ये आर ऐसे कैसे, ये आर नोट इसके डिवाइड में था, तो ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया इधर आर नोट। अब ये जब क्या लिया है हमने, एल एन तो खत्म हो गया, लोग तो एंटी लोग ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या किसकी पावर में आएगा, ये एक्सपोनेंशियल की पावर में, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, और उसकी पावर क्या बन गई माइनस के टी, तो माइनस के टी सेम। तो क्या बन गया ये कि आर इज इक्वल टू आर नोट ई, यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, इक्वेशन नंबर जी। क्लियर। फिर कहता है कंपेयर द बी विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जो हमारी ये बी इक्वेशन हमने रीअरेंज करके लिखी है, कहता इस इक्वेशन को आप क्या करो, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करो। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कौन सी होती है, मैथ में पढ़ते हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कहता जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, एल एन आर के बीच में, जो हमारा ये एल एन आर है, अगेंस्ट टी के बीच में, यानी कि टाइम के बीच में, तो हमें जो फाइंड आउट होता है स्ट्रेट लाइन मिलेगा ग्राफ, तो ये तो पता ही है। और क्या क्या मिलेगा, कहता उस दौरान हमारी जो स्लोप होगी वो आएगी निकल के माइनस के इक्वल, और जो इंटरसेप्ट होगा वो निकल के आएगा एल एन आर नोड के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे। उसके बाद कहता है इक्वेशन सी कैन आल्सो बी रिटन एज। अब हमें इक्वेशन बी रीअरेंज करी थी, अब हमें क्या करनी है इक्वेशन सी को करना है। पहले इक्वेशन सी देख लेते हैं, ये है हमारी इक्वेशन सी जहां पे के इज इक्वल टू वन बाय टी एल एन आर नॉट बाय आर। ठीक है, इसको क्या करेंगे रीअरेंज कैसे। सो कहता वहां पे एल एन था, एल एन की जगह पे हम वैल्यू अब पुट करेंगे, वन बाय टी तो सेम है, ये नीचे टी, तो एल एन की जगह पे 2.303 लॉग आर नोट बाय आर सेम रहेगा। ठीक है, फिर कहता और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूं यहां पे तो मेरे को इसकी वैल्यू मान लो फाइंड आउट करनी है लॉग आर नोट बाय आर की, तो ये जो दोनों टर्म बच गई हमारे पास, इनको क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो नीचे डिवाइड में टी था तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बन गया के टी, ये ऊपर मल्टीप्लाई में था ये इसके नीचे, तो यानी कि 2.303। क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, एक बार फटाफट सारे को रिवाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेशन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसकी पावर फर्स्ट होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेंगे, इस रिएक्शन का रेट निकाल लेंगे जर्नल, तो क्या होगा कि माइनस डी आर बाई डी टी, जो कि इक्वल आएगा के आर के। या कहता और कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज कर दे, यहां से आर उठाते हैं इसके नीचे ले आते हैं, यहां से डी टी उठाते हैं इसके ऊपर ले चले जाते हैं, क्या बन गया डी आर बाई आर और माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे दोनों इक्वेशन को, इसका तो बनेगा एल एन आर, इसका बनेगा माइनस के सेम रहेगा कांस्टेंट है, डी टी का बनेगा टी, और एक नई टर्म ऐड होगी दैट इज आई, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद कहता है हम टाइम को जीरो मानेंगे, तो आर की जो वैल्यू होगी दैट इज आर नोट बन जाएगी, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है। इक्वेशन वन जो हमारी थी उसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो आर की जगह पे क्या पुट करेंगे आर नोट, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और उस टाइमिंग पे टाइम जो है वो जीरो है, सो यहाँ पे टी की जगह पे पुट करेंगे जीरो, सो ये सारा जीरो बन जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे आई और यहाँ पे बचेगा एल एन आर नोट। फिर कहता है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई, अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू निकल के आई है एल एन आर नोट, मैं यहाँ से आई की वैल्यू को उठाता हूँ, यानी कि इस वैल्यू को और पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या बन गई एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा तो यहां से एल एन आर नोट को उठाऊंगा और इसके डिवाइड में, तो एल एन आर बाय आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करूंगा तो यहां से क्या उठाऊंगा t
टी को, टी को इसके नीचे लेके आ जाऊंगा तो क्या बन गया ये 1/T ln r नॉट बाय r। क्लियर। फिर कहता अगर टाइम टी वन है तो जो आपकी इक्वेशन ए थी वो क्या बन जाएगी, सिर्फ यहां पे r1 और t1 यहां पे i की वैल्यू पुट हो रखी है। जब आप टाइम t2 लेते हो तो यहां पे r2 और यहां पे t2। फिर कहता है जो r1 और r2 आपकी ये कंसंट्रेशन है आपको पता टाइम t1 और t2 के ऊपर। सब्स्टिट्यूट करनी है अब हमें कुछ वैल्यू लाइक e में से d को, तो r1 माइनस r2 करेंगे और kt1 माइनस माइनस के kt2, ठीक है। r1 बाय r2 कर देंगे यानी कि इस वैल्यू को उठा के इसके नीचे, और यहां पे दोनों में k कॉमन था मैंने बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस, सो t2 माइनस t1। फिर इस t2 माइनस t1 को यहां से उठाऊंगा इसके डिवाइड में लेके चला जाऊंगा तो 1 बाय t2 माइनस t1 ln r1 बाय r2। इक्वेशन बी जो आपकी थी वो थी ln r माइनस kt प्लस r0 या ln r0, लेकिन वो ln r0 यहां से उठा के अब मैंने इसके नीचे लिख दिया, इसका अब एंटी लॉग ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा r, और ये उठा के इसके इधर ले आऊंगा तो ये बन गया r नोड एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। फिर कहता है इक्वेशन जो आपकी बी थी उसको कंपेयर करो किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन से, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ग्राफ किस किस के बीच में होगा, एल एन आर के बीच में और टी के बीच में, जो स्लोप आएगी वो माइनस के इक्वल होगी और जो इंटरसेप्ट होगा वो माइनस एल एन आर नॉट के इक्वल। फिर इक्वेशन सी को देखिए, इक्वेशन सी इज इक्वल टू के वन बाय टी एल एन आर नॉट बाय आर। इस इक्वेशन को फिर मैंने रीअरेंज कर देना है तो क्या करेंगे, सिर्फ एल एन की वैल्यू पुट करेंगे 2.303 लॉग, फिर इधर से ये वैल्यू निकाल लूंगा तो टी ऊपर चला जाएगा 2.303 नीचे। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, ये हमारा यहां पे कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर है। अब हमें इसके कुछ एग्जांपल देखने चलिए। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज C2H4 साथ में डाल दिया H2 तो मिलके एडिशन रिएक्शन बन गई क्या C2H6, ठीक है। कहता ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कहता जो भी हमारे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके का मतलब जो हमारे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो कि कैसे है रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर काउंट किए जाते हैं ज्यादातर, तो कहता उनका जो डीके होगा वो कैसे होगा अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से, एंड उनकी जो रिएक्शन है मोस्ट प्रोबेबल वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन का एक बार रेट निकालते हैं तो क्या रेट आएगा कि रेट इज इक्वल टू के सी टू एच फोर, क्योंकि कैसी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।